यूके में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की बात सेना और प्रशासन की ओर से कही गई है, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं। उनके परिवार वाले गुप्त काशी में अपनों की तलाश कर रहे हैं। क्या कहना है उन परिवार वालों का, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता वरुण जैन ने। उत्तराखंड की भारी तबाही में अपनों को खोए हुए लोगों की जो उम्मीदें हैं आए हर दिन के साथ कम हो रही है। करीब 10 दिन बीत चुके हैं और इस वक्त हम गुप्त काशी में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पीड़ित परिवार हैं, ये लोग अपनों की तलाश में अभी भी यहाँ पर हैं। हालांकि जो आर्मी थी उसने कल यहाँ पर अनाउंसमेंट की थी कि जो उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें इस बात की उम्मीद कम है कि जो लोग कहीं फंसे होंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने जो लापता लोग हैं उनकी तस्वीरें लेकर यहाँ पर यूं खड़े हैं कि शायद किसी ने उनके परिवार के सदस्यों को देखा हो और उनकी कोई जानकारी मिल सके। हमारी दो बहन है, एक जीजा है, दोनों गायब हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑपरेशन खत्म भी करती है तो हम अपने ऑपरेशन खत्म नहीं करेंगे। हम अपने बलबूते पे वहाँ पे जाएंगे और एक बार अपनी आंखों से देख के और फिर ही हम अपने घर जाएंगे। मैं उस रास्ते से पैदल आई हूँ, मैंने हजारों की संख्या में वहाँ पे लोगों को देखा है। आप ये बताओ, तीन चार दिन में एक हेलीकॉप्टर कितने लोगों को उठाता है? पांच लोगों को ना, तो आप ये बताओ इतने हजारों की संख्या तीन या चार दिन में उन्होंने पूरे कैसे खाली कर दिए? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश और गुस्सा है यहाँ पर लोगों के बीच में। उनका कहना है कि जब तक उनके अपनों की उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलती वो यहाँ से नहीं हटेंगे और उनकी जो तलाश है यूं ही जारी रहेगी। वरुण जैन, उत्तराखंड, इंडिया न्यूज। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाना चाहेंगे कि उत्तराखंड में कुल कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी मनेरी में 200 लोग फंसे हैं, 50 लोग यहां पर भटवाड़ी में फंसे हैं, हर्षिल में 1250 लोग फंसे हैं, 1500 लोग चमोली में फंसे हैं, बद्रीनाथ में 4500 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लामबाड़ में लोग फंसे हुए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कुल मिला के ये आंकड़ा 10,000 के करीब तो अभी से नजर आ रहा है। हालांकि सरकार जो है वो पूरी तरह से डिनायल मोड में है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि लोग फंसे हुए, बल्कि बद्रीनाथ को लेकर तो दावा ये है कि लोग होटलों में हैं, घरों में हैं, उन्हें फंसा हुआ ही नहीं कहा जा सकता। उनको खाना पीने का सामान मिल रहा है और 72 घंटों में इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, 72 घंटों के साथ ये कंडीशन सरकार ने लगाई है कि मौसम साफ रहे तो। आपको बता दें, मौसम विभाग पहले से ही भविष्यवाणी कर चुका है कि 30 तारीख तक बहुत ज्यादा बारिश होती रहेगी। हमने देखा कि किस तरह से कल से ही लगातार बारिश हो रही थी और हेलीकॉप्टर्स उड़ नहीं पा रहे थे। पूरा दिन कल कोशिशें होती रही, हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पाए। आज भी कुछ इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि कैसे इनको इवैक्यूएट किया जाएगा। बहरहाल उत्तराखंड